मानुष जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग से ही पता चलता है। और सत्संग के अंदर यथार्थ ज्ञान दिया जाता है। जहाँ यथार्थ ज्ञान नहीं दिया जाता वो भले ही सत्संग के रूप में भक्त श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, लेकिन वहाँ सत्संग ना होने से, वहाँ यथार्थ ज्ञान ना होने से वो सत्संग नहीं होता। अब मनुष्य जीवन, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। ये मानुष जन्म आप जी का जिस भी कुल परिवार में है, जिस भी मजहब धर्म में है, ये मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन से हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, और यदि हम परमात्मा प्राप्ति के यथार्थ साधन से परिचित ना हुए, एक दिन ये मनुष्य जीवन हमारा समाप्त होगा। और ये ऐसे होगा कि जैसे पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है तो पुनः उसी स्थान पर उसी तरह स्थापित नहीं होता, फिर वो कहीं पशुओं के पैरों के नीचे कुचला जाता है या गंदे नाले में गिर के वो सड़ता है। ऐसे ही मानुष जन्म आपके हाथ से छूट गया तो पुनः शीघ्र प्राप्त नहीं होगा। फिर ये आप जी की आत्मा ना जाने कितनी गंदी योनियों में भटकेगी, कहीं कुत्ता गधा सुअर बनेगी, वहां नाना प्रकार की यातनाएं आप जी को भोगनी पड़ेगी। और यदि सतगुरु मिल जावे, सत्संग मिल जावे, तो फिर ये आपदाएं आप जी के जीव पर नहीं आएंगी। क्या बताया है? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। कबीर, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। कबीर, चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओहो, अपने आत्मा, सतगुरु ना मिलने से, एक तो आम संत सतगुरु नहीं होते, सतगुरु वही होते हैं जो सच्चा नाम सतनाम बताते हैं। गुरु सोए सतनाम बतावे, और गुरु कुछ काम न आवे। गुरु सोए सतनाम बतावे, सतगुरु वही है जो सतनाम सच्चे नाम का ज्ञान कराता है, सतनाम देता है, सच्चा नाम देता है। सतनाम, सतनाम ये कोई नाम नहीं है। सतनाम का अर्थ सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति विधि। और वो जो सतनाम नहीं देते, सच्चा नाम जो दो अक्षर का होता है जिसमें एक ओम मंत्र होता है, एक गुप्त है, ये दासी बताएगा है उपदेशी को, ये दो मंत्र का सतनाम होता है। और जो गुरु सतनाम नहीं बता पाते और उनको अधिकार नहीं है बताने का, तो वो किसी काम नहीं आएंगे, वो व्यर्थ है। अब क्या बताते हैं कि मानुष जन्म मिला और सतगुरु नहीं मिले, ये नकली गुरु मिल गए, डुप्लीकेट संत, नाम धराम परम धनी और महामंडलेश्वर आचार्य 1008,
पता नहीं के फीत लगावे सरस्वती फलाना, और उनको क्या कहेगा पता नहीं। तो ऐसे नकली संतों ऋषियों के अज्ञान से पुण्यात्मा अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। अब प्रसन्न चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार है, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। पुण्यात्माओं, सतगुरु का बहुत महत्व है। गुरु, वैसे तो गुरु शब्द ही पर्याप्त है, लेकिन ये नकली गुरु हो जाने से सतगुरु कहना आवश्यक हो गया। सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे, सच्चा मार्गदर्शन करे, उसको सतगुरु कहते हैं। ये झूठे गुरु ज्यादा होने से सतगुरु का शब्द का प्रयोग करना पड़ा। ऐसे झूठे नाम बहुत लोग देते हैं, इसलिए सतनाम का सतनाम कहना पड़ा, सतनाम हो सच्चा नाम। तो इन जैसे गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण और ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा एक ओम नाम है, एक अक्षर ओम है, और जो मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है जो इसको अंतिम श्वास तक ये प्रयाति तजंदेहम शरीर छोड़ते समय तक जो इस ओम नाम का जाप करता है सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि उनमें गए हुए प्राणी भी, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी, साधक भी पुनः लौटकर संसार में आते हैं, यानी उनके भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। पुण्यात्माओं, वर्तमान में हम इतने भ्रमित हो गए कि जब तक हम प्रमाणों को प्रत्यक्ष नहीं देख लेंगे हम मान नहीं पाएंगे। ये देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद उन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये है जयदयाल गोविंद का, ये इनके हाथ से लिखा हुआ इसके बारे में जानकारी है। गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको। अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, बस ओम। ये ओम ऐसे भी लिखा जाता है, इसके ऊपर एक बिंदु लगा दे ऊपर ओ के उपसाथ में ओम, इसको भी ओम बोलते हैं, तो इसलिए इसको एक अक्षर बोलते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह ओम एक अक्षर है, उच्चारण करते हुए स्मरण करने का। और यह प्रयाति तजंदेहम, उच्चारण करता हुआ, जिसका उच्चारण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका स्मरण करता हुआ सयाति परमाम गतिम,
वो ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन्होंने इसका अनुवाद ये किया है, यहाँ से शुरू किया है, ओम ये माने जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से मिलने वाली परम गति क्या है ये देखिएगा, ये यहीं पर 8वां अध्याय 16वां मंत्र है। ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, यह देखना। पुनरावर्ती का अर्थ है जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, ये पुनरावर्ती यानी वहाँ ब्रह्म लोक तक भी जा करके वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होता है। यहाँ इन्होंने इसका अनुवाद गलत किया है, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है, व्याख्या ठीक है। अब ये ब्रह्म बोल रहा है गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके, इसका अर्थ है आ ब्रह्म भोनाथ लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन माम उपेत तू मुझे प्राप्त होकर, ये इसका अर्थ है परंतु मुझे प्राप्त होकर तो कौनते पुनर्जन्म होते हैं, पुनर्जन्म होता है न विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्य माने जानना भी होता है, जो इस बात से परिचित नहीं है तो वो मुझे प्राप्त होकर भी मेरा जो ओम नाम है इसका जाप करते हुए मुझको प्राप्त होकर, तो ये इन्होंने अनुवाद गलत किया है। यदि यहाँ ये कहता कि मुझे प्राप्त होकर, परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 तक ये गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 यहां से ये यहां है, हे प्रंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सीधे गीता ज्ञान दाता के भी जन्म और मृत्यु होते हैं, तो ये कहना कि मेरे को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु नहीं होता तो वो अनुवाद गलत है, व्याख्या ठीक है। अब 4वें का 9वें में क्या लिखा है, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इसका सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता के जन्म तो होते हैं लेकिन वो दिव्य हैं, वो दास बताएगा बाद में समय आने पर। अब हम इतना ही लेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये ना सोच कि हम अभी हैं पहले नहीं थे। अध्याय नंबर 2 और ये श्लोक मंत्र नंबर 12 न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इति सिद्धम के गीता ज्ञान दाता का जन्म मृत्यु होता है। और यहां देखो 17वें श्लोक में 2वें अध्याय के अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17 गीता ज्ञानदाता कहता है नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहां यह अर्थ गलत किया है, इसे सीधे गीता ज्ञानदाता स्वयं भी नाशवान है। यह देखिए गीता अध्याय नंबर 8 के अब श्लोक नंबर 16 को पुनः पढ़ेंगे जब बात समझ में आओगी।